नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था। अनुपमा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, एक दिन पागलपन का दौरा और दूसरे दिन एकदम जब खबर आ गई कि वो पाखी नहीं है जो अनुपमा को खुद ही पता था, तो एकदम अनुपमा का स्ट्रॉन्ग अनुपमा बन जाना और सारी चीजें कन्फ्रंट करना, अधिक को बात करना, सब तो थोड़ा सा अजीब भी था। तो मिला जुला सा था आज का एपिसोड, तो आपके रिव्यूज भी मिले जुले हैं। तो शुरू करती हूँ आपके रिव्यूज को सुनाने का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सारे रिव्यूज मैं एक साथ ही सुनाऊंगी बारी बारी से, तो एंड में मैं अपनी फीडबैक भी आपको दूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारे सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। संयुक्ता की बात से सहमत नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि 26 दिन तो देखती अनुपमा। क्यों भाई, पाखी को क्यों देखा जाता 26 दिन? पाखी क्यों उसको टाइम देती अधिक को? क्या देखती अपने अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए? हाँ, पाखी अधिक को घर से भगा देती, उसके बाद वो जो मन होता करते जाके। अब घर में है तो उसको कैसे 26 दिन और 22 दिन दिए जा सकते हैं? खैर, ये अपना अपना नज़रिया है लोगों का। और मनीषा दोषी जी, ऑडियो अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड देखा, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें इस एपिसोड के बारे में। ये पाखी ट्रैक है, चल रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी बदतमीज़ लड़की के लिए, ऐसे करेक्टर के लिए बढ़ाए चले जा रहे हैं। पाखी आई नहीं है और बरखा को अपनी पड़ी है कि कंप्लेंट वापस ले लो। वाह भाई वाह, अंकुश भी बरखा की साइड ले रहा है। ये सब देखकर रोमिल को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब अनुपमा यहाँ अकेली है, अब शाह हाउस वाले अपने घर में हैं। जब शाह हाउस में कुछ होता है तब अनुपमा वहीं परमानेंट रहती है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। लो, शाह हाउस वाले तो नहीं हैं, मैडम खुद ही वहाँ पहुँच गई हैं या पहुँचा दी गई हैं। जब अनुपमा जानती है कि हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट वाली लड़की है वो पाखी नहीं हो सकती है, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो बदतमीज पाखी के लिए? अरे वो आ जाएगी, धीरज रखो, एक नालायक लड़की के लिए इतना ड्रामा हजम नहीं हो रहा है। रोमिल अलग परेशान हो रहा है, अनुज ने बताया कि वो पाखी नहीं है। काव्या ने वनराज को संभाला और वनराज को बच्चा का ध्यान आते ही वो काव्या से अलग हो गया। ये तो कन्फर्म हो गया कि अधिक ने पाखी को गायब नहीं किया है। हाँ, उसने कंपनी में फ्रॉड किया, पाखी पर हाथ उठाया, ये सही है। अधिक ने सुई दूसरी तरफ घुमा दी। अधिक नाटक कर रहा है सिर्फ अनुपमा को गुमराह करने के लिए, ये कभी नहीं सुधरने वाला। ये बात जरूर सही है कि इसने किडनैप नहीं किया, पर रोमिल से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि ये पाखी को किडनैप करेगा। वो अलग बात है कि उसने अधिक से बदला लेने के लिए किया, पर किया तो गलत ही है। हाँ, अगर अनुपमा पहले एक्शन लेती अधिक के खिलाफ, जब उसने कहा था कि रोमिल की अलमारी से पैसे मिले हैं, तो अच्छा रहता। पर हम अपने पहले भी ऑडियो में कहते आ रहे हैं कि हर चीज़ को बढ़ावा अनुपमा ही पहले देती है, चुप रहती है सब कुछ जानते हुए भी। हर फसाद की जड़ अनुपमा ही होती है, पहले फसाद करती है फिर उसका हल निकालती है, यही उसका करैक्टर है। रोमिल को अनुज अगर निकालते हैं तो बरखा अधिक के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। हाँ, बरखा अधिक पता नहीं कब बाहर निकाले जाएंगे। पॉजिटिव लोगों को निगेटिव करते जा रहे हैं ये मेकर्स, और निगेटिव तो और निगेटिव होते ही जा रहे हैं, वो कभी सुधरते ही नहीं हैं इस धारावाहिक में। समझ नहीं आ रहा इस धारावाहिक के लिए क्या कहूँ, निगेटिविटी बहुत है और पाखी ट्रैक इतना ज़्यादा घसीट दिया है कि बोर हो गए हैं। एक तो पाखी अपने आप में बोर करेक्टर है, ऊपर से इतना ड्रामा, पता नहीं कब फुर्सत होंगे इस ड्रामे से। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है, धन्यवाद। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे कि पाखी किडनैपिंग के असली गुनहगार को अनुज ने पकड़ लिया, और दूसरा आपने बताया कि रोमिल के इस सच के सामने इस गुनाह के बाद क्या अनुपमा उसे माफ़ करेगी या उसे घर से निकाल देगी।
आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि अधिक ने सबके सामने बता दिया कि नहीं, मैंने पाखी का किडनैप नहीं किया है, और आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोई और हो और आप लोग मुझे गलत समझते हैं, और अनुज को दिमाग में ये ख्याल आना कि सही में कोई और हो सकता है, क्योंकि अभी तक किडनैपिंग के लिए हमें किसी की फिरौती का फ़ोन आया ही नहीं है। और दूसरे वीडियो में आपने बताया मैम कि अनुपमा ने वो चोरी वाली बाप में अधिक को पकड़ लिया था, अधिक के पर उसे अकेले में वार्निंग दी और उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये बात सही है आपकी, और मैंने धारावाहिक भी देखा था, धारावाहिक से भी यही लगा कि रोमिल को बार बार उकसा, पहले वीडियो में आपने बताया कि उसे बार बार बोल रहे थे तो उसने बदले की भावना से ऐसा कुछ किया होगा कि उसके चोरी का इल्ज़ाम और बदले की भावना से। तो और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि वो कुछ भी उसे गलत हो तो नहीं दिखाएंगे, नेगेटिव रोल में तो नहीं दिखाएंगे शायद, ऐसा आपने बताया। मैंने धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक की शुरुआत में बरखा रो रही है और अनुपमा से कह रही है कि मेरा भाई क्रिमिनल नहीं है, तुम इसे किसी भी तरह से अपना केस वापस ले लो। मैम, क्रिमिनल नहीं है तो ये क्या है, वो बार बार अपनी बीवी को पीटना, अपनी वाइफ को पीटना, मारना, मेंटल टॉर्चर करना, उसे सब तरह से वो करना और सबकी नज़रों में नीचा भी दिखाना उसे, और कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी में घोटाला करना, तो ये सब क्रिमिनल माइंड ही है। और इन दोनों भाई बहन की सोची समझी साजिश है कि किसी भी तरह से रोमिल नाम का काटा इनकी ज़िंदगी से हट जाए, क्योंकि अभी इनको अनुपमा से भी ज़्यादा खतरा रोमिल से है, क्योंकि रोमिल इनके सारे सच को जानता है और वो बीच बीच में अनुपमा को वॉर्न भी करता रहता है। इसीलिए ये लोग दोनों भाई बहन ने अभी बरखा सीधे सीधे उस पर नाम नहीं ले रही है, पर जैसे ही अनुज के द्वारा ये सच सामने आएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैम कि अंकुश भी ये बात जानते थे कि इन सब में रोमिल इन्वॉल्व है और मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये आपके दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अभी बरखा जैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, फिर रोमिल के लिए अंकुश भी बोलेंगे ऐसा। तो मैम, ये भाई बहन की, आप लोग माने या ना माने, ये भाई बहन की सोची समझी साजिश है, करने तो वाला ही था, अधिक करने ही वाला था उसका किडनैप, लेकिन उन लोगों ने इसको फंसाने के लिए इसके सामने, रोमिल के सामने जानबूझ के कोई ऐसी बात की होगी या कोई ऐसा षड्यंत्र रचा होगा जिसकी वजह से रोमिल को ये लगे कि ये लोग पाखी को नुकसान पहुंचाए, तो ये शायद पाखी को बचाने के इरादे से भी किया गया। और रोमिल को ये लोग बार बार उकसा रहे थे, दोनों भाई बहन, तू नाजायज है, तेरी परवरिश ऐसी है, तू चोर है। तो चोरी का इल्ज़ाम जब आया तब तो उसने ठान ही लिया था, और अपने पहले वीडियो में भी बताया कि रक्षाबंधन को ऐसा गिफ्ट, ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि आप लोग सब देखते रह जाओगे। ये बात रोमिल ने खुद बोली भी थी अनुपमा के सामने मन में। तो ये अनुपमा अगर इसे रोक लेती है और कहती है कि ये दिल का बुरा नहीं है, तो अनुज अनुपमा के बीच में 100% इनके बीच में गलतफहमियां होगी ही, क्योंकि अभी जो इतना बड़ा गुनाह हो चुका है अब रोमिल के हाथों, अनजाने में ही सही, पर यह एक तरह का गुनाह ही है कि रोमिल चाहते तो अनुपमा को बता सकते थे कि आंटी आप रो मत, मुझे पता है पाखी कहाँ है। इतना ज़्यादा अनुपमा पैनिक हो रही थी, परेशान हो रही थी, और शाह हाउस में जाके वा के गले लग के रोई कि वो मेरी बेटी नहीं थी लेकिन किसी की तो बेटी थी। इस तरह का अनुपमा के हर एक व्यक्ति के साथ में समान भाव, उसका सबके साथ में समानता का व्यवहार,
थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ सभी ने उसे पुलिस आके जब बताती है अनुज के आने के बाद कि नहीं वो पाखी नहीं थी, अनुज वहाँ पे साहब जाते हैं और बताते हैं कि वो पाखी नहीं थी, तो इसमें सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। पुलिस आके बताती है कि अधिक मेहता ने खुद कबूल किया है कि पाखी को ये अधिक मेहता मारता था और इसने अपने अंकल की कंपनी में बहुत सारे घोटाले किए हैं ये, लेकिन उसने पाखी को गायब नहीं किया है, ये बात हम अच्छे से दावे से कह सकते हैं। पर पुलिस वाले को भी तो ये बुद्धू मैनिपुलेट कर सकता है अधिक, और कुछ ना कुछ तो ये दोनों भाई बहन इन्वॉल्व है ही किसी ना किसी तरह से ये पाखी खो जाने में। पर इसमें रोमिल को फंसाने की ही साजिश है, पूरी साजिश दिख रही है, और इस साजिश में कहीं ना कहीं अंकुश भी इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लगता है। और आज भी त्योहार के दिन भी छोटी बेचारी अकेली घर में है, ये सब शाहौज में है, तो रोमिल को दोषी ठहराकर अधिक और वर्खा यही साबित करेंगे कि वो पाखी के साथ इतना बड़ा कुछ कांड कर सकता है, तो आपकी छोटी की भी इस आदमी के साथ सेफ्टी नहीं है, इसीलिए आप लोग इसे घर से निकालो। अभी छोटी घर में अकेली है, उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं हो रही है। मैं मुझे दुख होता है कि वो बच्ची अनाथ आश्रम से आई थी, कुछ ही दिनों के लिए उसे प्यार मिला, प्यारा सा परिवार मिला, पर जब से बरखा और इन लोगों के अंकुश अधिक की एंट्री दिखाई गई है, तब से छोटी के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, छोटी को हमेशा मोरा बनाकर इस्तेमाल ही किया जाता लगा हो रहा है ऐसा लग रहा है। और नए प्रोमो में अब कल ही दिखाएंगे कि अनुज का बर्थडे है, और अनुज के बर्थडे में आके पाखी कोई अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगाती है, या रोमिल के बारे में सच बताती है, या अनुपमा इसके घर से निकाल देगी तो नहीं पर अब रखती है कि नहीं, या वार्निंग देके हमेशा की तरह छोड़ देगी। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, काफ़ी देरी से मेरा वीडियो पहुंच रहा है। आई एम वेरी सॉरी, कभी इतना देरी नहीं से पहुंचता है, मुझे पता है कि शायद पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन आज एक बात कहना चाहूँगी। कल का एपिसोड और आज का एपिसोड मैंने देखा है, 5 मिनट का है, तो कहना चाहूँगी कि रोमिल का जो दिखा रहा है कि वो बहुत शांत है, बहुत इनोसेंट है, तो उसकी तो गलती है, बदले के भाव में जो कर रहा है वो तो बहुत बड़ा कारण है। और अधिक तो क्लीन चिट लेके निकल गया, और अनुपमा का पता भी हो गया, एक तरह से पुलिस स्टेशन में भेजूंगी, वो करूंगी वो करूंगी करके वो सब का सब कुछ हो गया, उसे क्लीन चिट मिल गई, और अपने गुनाह को भी वो कबूल कर लिया कि मैंने फ्रॉड किया था और पाकि पर हाथ उठाया था, तो वो सब तो हो गया। अब रोमिल को क्या सज़ा मिलती है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मिलेगी मुझे लगता है कि अनुपमा रोकेगी। हाँ, बेटी की गलती के लिए वो 2-3 थप्पड़ मार सकती है या कुछ उसको कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे जेल भेजेगी वो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपने जो अनुज कपाड़िया के लिए और हमारे वॉइस वॉइस नोट पब्लिक वॉइस नोट पे भी इतने जन बोलते हैं कि अनुज कपाड़िया एक फादर वाला रोल निभा रहे, तो सच में इज़ वेरी राइट। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि अनुज कपाड़िया के लिए, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं, श्रद्धा दीदी है, कुमुद त्रिपाठी दीदी है, जितने भी हम लोग पब्लिक वॉइस में है हंग्री स्पिरिट में, तो हम लोग यही कहते हैं कि अनुज कपाड़िया इनोसेंट है, इज़ वेरी राइट। वो कभी भी किसी को तकलीफ दे नहीं सकता, लेकिन उसे तकलीफ ज़रूर मिलती है। और स्पेशली अब अनुपमा को एक लाइन ऑफ क्रॉस ऑफ इंटीग्रेशन कर देना चाहिए कि सास का फैमिली सास के पास में रहे, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ। और मुझे समझ में नहीं आता, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे जब माँ के पास जाए कि मम्मा ये प्रॉब्लम हुई है तब जाओ ना,
क्यों सा हाउस पहुंचती हो, क्यों कपाड़िया हाउस के मामले में बोलती हो, अपनी बेटी के साथ और अपने पति के साथ पूछ रहा हो ना। अरे तुम दया की देवी हो ये तो मानने का मन राइट है, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हारे पति को कैसा लगता है जब एक्स पति अपनी पत्नी को इतना कुछ सुना रहा है और पत्नी के सामने वो अनुज कपाड़िया एकदम चुपचाप देख रहा है, सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो सोचना चाहिए कि मेरा खुद का पति मुझसे कितना प्यार करता है और मेरे लिए कितना कुछ सुन रहा है। इज इट नॉट राइट? उसे कब समझ में आएगा? सच में लगता है मैम कि अनुपमा को ना 25 साल का सजा जो मिली है ना वो एकदम सही मिली है, वो डिजर्व ही ऐसे ही लगता करती है। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर बच्चे अगर बार बार ये गलती करते हैं तो माँ बाप को थोड़ा सा पिंडा छुड़ा लेना चाहिए कि तुम लोग करो जो मर्जी आता है, मैं क्यों बीच में आऊँ? और हमेशा बीच में आने के बाद मेरी गलती तुम लोग दिखाते हो तो मैं क्यों करूँ हेल्प तुम लोग का? तुम लोग को अगर मेरे को इज्जत ही नहीं देना है तो मत करो, मैं भी नहीं करती। जब बच्चे पर ज़्यादा ही वार होगा, जब उन लोग खुद गलती समझ में आएगा तब वो अपनी गलती नहीं करेंगे ना। ऐसे गलती करते जा रहे और आप सपोर्ट करती जा रही है तो बच्चे तो देखेंगे कि बड़े तो मेरी माँ को अच्छे खासा सुना देते हैं तो मैं तो गलती करते रहूँ, यही चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और सच में अनुपमा प्रोग्राम में अब ऐसा कुछ नहीं दिखता कि कुछ सीखने लायक चीज़ है या कुछ समझने लायक चीज़ है। पहले जो इस प्रोग्राम में जो सार था कुछ ना कुछ सिखा के ही चला जाता था, अभी कुछ पॉजिटिव आता नहीं है, नेगेटिव पहले एंटर कर जाता है, तो इस स्टोरी का कोई सार ही नहीं है। अंजुमा मैम एक बात आप कहिएगा ज़रूर कि महिमा ये बात सही है, चैलेंजेस सबके साथ आता है, चाहे वो रियल रियलिटी हो चाहे वो सीरियल दुनिया हो, लेकिन इतना भी नहीं दिखाना चाहिए कि आदमी बोर हो जाए, आदमी को खुशी ना मिले और आदमी हमेशा दुख और तकलीफ को देखते रहे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अनुज कपाड़िया हैट्स ऑफ यू, कैसे आप सब चीज़ को टैकल करते हैं, मैं होती तो नहीं कर पाती। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई लव यू टू दीदी। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार, आज का एपिसोड देखा तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, ऑनेस्टली आज मैं डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि कल का जो रिएक्शन था अनुपमा का एंड आज एकदम से वो एकदम नॉर्मल हो गई कुछ, तो पता नहीं मतलब आज थोड़ा सा मुझे अनुपमा से वो डिसकनेक्टेड में फील डिसकनेक्टेड हो गई आज। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी वो कल का जो रिएक्शन था आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा नहीं लग रहा, आई गेट इट वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम। तो मुझे भी आज थोड़ा सा वो फील हुआ ही कि इतना फिर वो पागलपन का जैसे दौरा कल दिखाया अनुपमा को, वो एकदम जैसे वो पैनिक अटैक और वो जैसे बिहेव कर रही थी, एंड आज जब वो शाह हाउस आके बाद से हक करके रोई एंड एकदम से शांत हो गई, तो पता नहीं कहीं ना कहीं पता नहीं मेकर्स क्या एग्जैक्टली दिखाना चाहते कि कपाड़िया हाउस में जब भी रहती है एंड अनुज के साथ जब रहती है तो उसका उसको ऐसे पागलपन के दौरे ही आते हैं या फिर पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एकदम रेस्टलेस हो जाती है, एंड फिर जब वो शाह हाउस जब आती है एकदम काम और कंपोज हो जाती है। तो ये पता नहीं क्या एग्जैक्टली अनुपमा का माइंड सेट, मतलब क्या वाकई उसको शाह हाउस में खुशी मिल रही है एंड कपाड़िया हाउस में उसको परेशानियाँ नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या दिखा रहे हैं मेकर्स। तो इस वजह से मुझे अनुपमा से डिस्कनेक्टेड वो फील होता ही है, एंड शाह हाउस में आके फिर अनुज का आना वहाँ पे एंड बताना कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो पाकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिलीफ मिला वहाँ पे सबको। फिर पुलिस का वहाँ पे आना एंड बताना सच कि अधिक ने कन्फेस किया है कि उसने हाथ उठाया पाकी पे एंड उसने कंपनी में फ्रॉड किया है, बट उसको बट पाखी के गायब होने में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि वो फ्रेंड के साथ था एंड वो सीसीटीवी में प्रूफ है, तो उसको क्लीन चिट दिया गया। तो ये मतलब कंप्लीट वाइट वॉश हो गया, मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस का इतना स्टार्टिंग से बहुत इंटेंस एपिसोड्स दिखाए थे, इतना बिल्डअप किया था कि एंड हमें कहीं ना कहीं लगा था कि इसका कुछ ना अच्छा आउटकम दिखाए, उसको पनिशमेंट दिखाए, बट एज़ यूजल मुझे पता ही था क्योंकि DKP जो है ये जो मेकर्स है ये सोशल इश्यूज हैंडल करने में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है, एंड ये कभी भी लॉजिकली लीगली जो स्टेप्स लेने चाहिए वो कभी भी ये लोग दिखाते ही नहीं है। तो अभी कहीं ना कहीं मुझे पता ही था कि एक ऐसे कन्फेशन दिखा के या फिर थोड़ा सा रोना धोना होने के बाद अधिक वापस
भले ये लोग माफ नहीं करेंगे बट उसका कहीं ना कहीं वाइट वॉश हो ही जाएगा। वनराज का 25 साल का इतना उसने जो अब्यूज किया है अनुपमा को, वो इजीली निकल गया। तोशु ने चीट किया एंड वो भी उसके उसके साथ भी कुछ ऐसे हुआ नहीं है, कुछ पनिशमेंट उसे मिली हो या उसके अगेंस्ट कुछ, जब वो परी को किडनैप करके भागा था उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिया हो तो। वैसे भी वो लोग छूट ही जाते हैं बड़े बड़े बोलते हैं ना गुनाह करके, तो आज अधिक भी वैसे ही हुआ, गुनाह किया बट वो क्लीन चिट मिल गई उसको, तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था बट ठीक है, अभी हो गया, क्या ही कर सकते हैं उस चीज़ को। एंड अभी रोमिल का थोड़ा सा सस्पिशियस लग ही रहा है वो, एंड कहीं ना कहीं एक तो मुझे दो चीज़ें लग रही है, एक तो वो पाखी के गायब होने में इन्वॉल्व हो सकता है इसके लिए वो डर रहा है, या फिर सेकंड ये हो सकता है कि जैसे आज फ़ोन पे वो बात कर रहा था किसी के साथ एंड वो सामने वाला बोला कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं भी सच बोल दूंगा ये वो करके, एंड जैसे रोमिल थोड़ा सा घबरा रहा है कि पुलिस अगर आ गई तो घर में चेकिंग, रूम की चेकिंग होगी, फ़ोन चेकिंग होगी, तो आइदर ये हो सकता है कि कहीं ये ड्रग पेडलिंग में तो नहीं फंसा, क्योंकि ये ऐसे टीनेज इश्यूज़ है ना ये सब, और ये ऐसे एज में है कि ये लोग गलत संगत में फंस जाते हैं, तो आइदर ये हो सकता है कि वो ड्रग पेडलिंग केस में कहीं उलझ रहा है या फिर पाखी के गायब होने में उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये दो सिचुएशंस मुझे दिख रही है एंड बट इस चक्कर में बहुत बड़ा मतलब रोमिल के वजह से कुछ बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है एंड उस चक्कर में अधिक सॉरी अंकुश एंड अनुज में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा होने ही वाला है, क्योंकि अनुज तो स्टार्टिंग से ही रोमिल पे वो विश्वास नहीं करता था, उसे उस पर ट्रस्ट नहीं था। हाँ वो बच्चा है थोड़ा सा वो कंसर्न एंड थोड़ा सा वो उसको वो बदतमीज था तो उसको थोड़ा सा अपने तरीके से उसको हैंडल कर रहा था, बट उसका विश्वास नहीं था उस पर, तो अभी भी वो अगर ऐसा कुछ आया तो वो रोमिल पे नहीं वो विश्वास करेगा एंड पता नहीं क्या करेगा अनुज उस पर। एंड एक बात उसकी हमेशा सही रही है अनुज की, कि वो ना इंसान परख लेता है एंड उसकी वो परखने की वो जो है ना वो बहुत सही है, कि हमेशा उसने सामने वाले को बहुत करेक्टली पहचाना है। माया के टाइम पे भी उसने करेक्टली उसको पहचाना था कि ये औरत मतलब उस पर ट्रस्ट मत करो, उसने अनुपमा को बहुत बार वॉर्न किया था कि उस पर ट्रस्ट मत करो, उस पर नज़र रखो, उससे इन्फॉर्मेशन निकालो, बट अनुपमा क्या है ना, अनुपमा जल्दी लोगों पे विश्वास कर देती है, तो उस टाइम पे भी उसने माया छोटी की माँ है तो उसके लिए माँ की फीलिंग्स को प्रायोरिटी दी एंड अनुज जो बोल रहा था उसे वॉर्न कर रहा था तो उल्टा अनुपमा उसे ही क्वेश्चन कर रही थी कि आप क्यों इतना शक कर रहे हो ये कर रहे हो, तो अनुपमा ने उस टाइम पे भी अनुज की बात नहीं मानी, उसका रिजल्ट हमने आउटकम देख ही लिया क्या हो गया। अभी भी रोमिल का भी वो चलो बच्चा है थोड़ा सा वो परिवार को तरस रहा है ये, तो वो थोड़ा सा मदरली अफेक्शन हो जाता है कहीं, ठीक है, बट तुम अभी इतना भी क्लोजली रोमिल को नहीं जानते हो कि तुम फट से इतना भरोसा करो उस लड़के पे, तो ये जो है थोड़ा सा अभी अनुपमा को समझना होगा एंड सीखना होगा कि लोगों पर जल्दी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कल ये ऐसे चीज़ें ये लोग कुछ बड़ा कांड करे, कुछ इनके वजह से इश्यूज हो, तो अनुपमा का ही ट्रस्ट टूट जाता है एंड वही कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, तो शी नीड्स टू लर्न दिस नाउ कि लोगों पे इजीली भरोसा ना करें। एंड कमिंग बैक टू भी पाखी, तो अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने की बात हुई है, तो अनुपमा चाहती है जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो, मतलब भले बहुत बड़ा क्राइसिस है, मतलब दुख की घड़ी है, बट स्टिल शी वॉन्ट्स कि छोटी छोटी खुशियाँ मिले उस इसमें, तो ठीक है अभी देखते क्या है इसमें। अभी बाकी मतलब जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ होगा ये जन्माष्टमी पे, आई मतलब मुझे तो लग रहा है शायद पाखी वापस आएगी एंड जन्माष्टमी में, तो देखते अभी पाखी का आना मतलब आइदर, क्योंकि अगर जन्माष्टमी के टाइम पे अनुज का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है, अनुज का तो अभी बर्थडे जैसे है आज, थैंकफुली मेकर्स को याद था आज प्रीकैप में दिखाया है कि अनुपमा उसको विश कर रही है इतना सब होने के बाद भी, तो जैसे हमने पहला जब जन्माष्टमी देखा था तो अनुज जैसे समर को बचाते उसने समर को बचाया था एंड वो शाउस में लेके आया था, वैसे ही कहीं ना कहीं इस बार ऐसे हो सकता है कि अनुज शायद अनुज को पाखी मिले एंड वो पाखी को जन्माष्टमी के दिन घर पर वापस लाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मालती देवी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, ऐसे आर्टिकल्स कुछ मैंने पढ़े हैं जहाँ पे ऐसे बोला गया है कि पाखी किसी खतरे में होती है, कुछ गुंडे उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं बट मालती देवी उसको बचाती है, तो
आइदर ये हो सकता है मालती देवी पाखी को वापस लेके आ सकते हैं या फिर अनुज वापस लेके आ सकता है, तो वो देखता होगा एग्जैक्टली क्या होगा। बट हाँ, जन्माष्टमी में भी सेलिब्रेट करें तो मुझे लग रहा है पाखी आएगी अभी इस उसमें, एंड कहीं ना कहीं फिर अगर पाखी आई तो माहौल अच्छा होगा, तो फिर अनुज का भी उस बहाने थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी कर लेंगे, थोड़ी सी खुशियाँ भी मिल जाएंगी थोड़ा, एंड हाँ होपफुली हमें देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं बेचारा ना अनुज के इसके टाइम पे ना उसके जो भी स्पेशल ओकेजन्स हो उसके स्पेशल ओकेजन्स हमेशा ये शाहस की वजह से या फिर वो कपाड़ियास की वजह से उसका बेचारे का सब बिगड़ ही गया है। उस कभी भी उसको हैप्पीली कुछ भी सेलिब्रेट करते हमने नहीं देखा, स्पेशली जब भी अनुज के रिलेटेड कुछ होता है। अनुपमा का हमने देखा माया घर पे थी, इतना सब कांड हो गया था वो महाशिवरात्रि के टाइम पे, उसके बाद अनुपमा अनुज को दोनों को डर था कि कहीं छोटी हमेशा के लिए छोड़ के ना चली जाए, वो डर था, बट फिर भी इतना होने के बाद भी अनुज मेड श्योर कि अनुपमा का बर्थडे ग्रैंड वे में सेलिब्रेट हो, उसका दिन स्पेशल बना। उसने अनुज अपने तरफ से एफर्ट्स डालता है अनुपमा को खुश रखने के लिए, तो इस बार अभी ये पाखी अभी मिसिंग है तो अभी क्या एक्सपेक्ट करें अनुपमा से। बट एक ठीक है कि अनुपमा को एटलीस्ट याद रहा अनुज का बर्थडे है तो उसने विश किया, बट कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि अनुज का कुछ ऐसे सेलिब्रेट करते ही नहीं है ग्रैंड वे में कि कहीं कि मेकर्स दिखाए कि अनुज खुश हो, वो अपने फैमिली के साथ खुश हो, तो वो एक कभी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट आई होप इस बार मतलब ना हो, एंड पाखी अगर जन्माष्टमी के टाइम पे आए तो एटलीस्ट थोड़ी सी खुशियाँ मिले देखने को, कुछ हैप्पी मोमेंट्स मिले, एंड उस बहाने अनुज का भी छोटा मोटा कुछ तो सेलिब्रेशन देखने को मिले। तो लेट्स सी आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, बस आज के लिए इतना ही कहूँगी। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना कि आज जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ तब बरखा अनुपमा से माफ़ी मांग रही है, कह रही है मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम मेरा भाई अगर गलत निकलेगा तो मैं उसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। अब समझ में आया बरखा रानी, जब खुद पे बीती तो अब तुम्हें सारे देवी देवता याद आ गए, कहते हैं ना वो, जब तक तुम सबके साथ इस तरीके से कर रही थी तब तुम्हें नहीं याद आया, खास करके अनुज और अनुपमा के साथ। और एक चीज जब बहुत ही अच्छी हो गई कि उसने खुद ने अपने गुनाह कबूल कर लिए कि वो अपनी बीवी को मारता भी है और उसने ही अनुज के कंपनी में फ्रॉड भी किया, लेकिन रोमिल ने गलत किया। हाँ ठीक है उसने किया, लेकिन बहुत हो गया ना, जब अनुपमा की हालत देख रहा है वो, जब वो देख रहा है कि अनुपमा की हालत खराब हो रही है तो उसे अपने दोस्त को कह के छुड़वा लेना, पाखी को भेज देना चाहिए, कहीं पे भी वो छोड़ सकता था, लेकिन वो गलत कर रहा है। अगर अब वो पकड़ा जाएगा तो पता नहीं क्या ही होगा, तो उम्र भी उसकी कम है और ऐसा गुना किडनैपिंग बहुत बड़ा क्राइम है। जब पुलिस भी आके कहती है कि अधिक ने अपने गुना कबूल कर लिए कि वो पाखी को मारता था और उसने अपने ही अनुज के कंपनी में उसने फ्रॉड भी किया, लेकिन उसका किडनैपिंग पे कोई हाथ नहीं है, उसने पाखी को किडनैप नहीं किया है, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट में भी चेक किया जहां वो अपने दोस्त के साथ दिखाई दिया है, तब उसे तो पूरी क्लीन चिट मिल ही चुकी है। लेकिन फिर भी अंकु जब अधिक बोलता है अनुपमा को आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, तब वनराज कहता है कि तेरे जैसे आदमी पे भरोसा कौन करेगा। आज अंकुश और बरखा से भी अनुपमा की हालत नहीं दिखी गई, अंकुश भी कह रहा था कि अनुज के बिना अनुपमा को हम कैसे संभालेंगे, इसीलिए वो लोग उसे साहस लेके गए
कल लग रहा था कि बाघ कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सब परेशान है। तब अनु जाता है, तब अनु जाता है और कहता है कि वो तुम्हारा विश्वास जीत गया, वो हमारी पाखी नहीं थी। तब सबकी सांस में सांस आ जाती है। और आज तुसु ने भी कहा कि तुम्हारे जैसा आदमी किसी और से भी करवा सकता है, और जो अपनी बीवी को मारता है वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है। आज अधिक भी पछता रहा है कि मैंने क्यों ये सब किया, लेकिन वो क्या सच में सुधरा है और सुधरेगा? इतना सब होने के बाद अगर वो सुधर जाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन चांस बहुत कम है। और अब जो रोमिल ने किया है उसके बाद तो अब अधिक के पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन सच में अब अगर पाखी जब आए उसके बाद अनुज को अपने भाई से सीधे सीधे कह देना चाहिए कि भाई आप अपना देख लीजिए, और आपको जहां जाना है वहां जाके रहिए, आप मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं जैसा आज तक वो करते आया है। वो भी सबकी तरह उस कंपनी का एम्प्लॉई है, तो वो बन सकता है, उसी तरह से रहे वो। अब बरखा भी सुधरे तो अच्छा है, लेकिन लगता तो नहीं कि सुधरेंगे। लेकिन पिकअप भी बहुत अच्छा दिखाया अंजू जी, इतने मुश्किल में उसने क्या कहा वही थोड़ा समझ में नहीं आया कि खाना खा लेते, ऐसा कुछ कहा अंकुश ने, क्या कहा? तो जब तक पाखी नहीं आ जाती तब तक मैं और अनुज कुछ तो भी कहा, लेकिन वो समझ भी नहीं आया खाना नहीं खाएंगे या हमें खाना नहीं खाना है, कुछ तो भी कहा अनुपमा ने। लेकिन इतने टेंशन में भी अनुपमा ने अनुज को उसके जन्मदिन की बधाई दी। तब अनुज कहता है, इतना कुछ प्रॉब्लम है फिर भी तुमने मेरे मुझे विश किया। तब उसने कहा कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना, लेकिन थोड़ा पल हम तो निकाल ही सकते, खुशियों के लिए हमें अपना पल निकालने ही। क्योंकि वो पहले भी कह चुके, खुशियों को हाथों से लाना पड़ता है, मुश्किलें अपने आप और गम भी अपने वो आ ही जाते, मुसीबत भी आ जाती है, लेकिन खुशी को प्यार से अपने पास बुलाना पड़ता है। तो उसमें भी कोई लोग कहेंगे, लोगों को ऑब्जेक्शन रहेगा कि बेटी खो गई लेकिन माँ को जन्मदिन की बधाई दे रही है, तो क्या जन्मदिन की बधाई देना गुनाह है? बधाई तो दे ही सकते, कोई जन्मदिन थोड़ी मना रहा है अनुज। हाँ जन्माष्टमी मना रहे, वो तो कोई भी मना सकता है घर में। लेकिन आपने सच कहा कि अब अनुज महा इसकी तह तक जरूर जाएगा। और क्या अनुपमा माफ करेगी रोमिल को? वो तो अब देखने वाली ही बात है कि आगे क्या दिखाते, क्योंकि कभी कभार अनुज जी हम बहुत कुछ सोचते इससे उल्टा ही दिखाते, इसलिए कुछ भी कहना भी अब ऐसा लगता है कि क्या कहें हम। लेकिन आज एक पल के लिए थोड़ी सी डिम्पी अच्छी लगी, थोड़ी देर के लिए सही कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो कल किस तरीके से बिहेव करेगी वो कोई नहीं बता सकता। जैसे बरखा का नहीं कह सकते, अधिक का भी नहीं कह सकते, वैसे ही हम डिम्पी का भी नहीं बोल सकते। लेकिन अब अनुज और अनुपमा को पाखी के आने के बाद कड़े कदम उठाने ही चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा। अब बहुत हो चुका है इन लोगों का, जब से शादी हुई तब से यही सब कुछ चल रहा है। कल संयुक्ता ने कुछ कहा, लेकिन छोटी की बात और पाखी में बहुत बड़ा अंतर है। और उसके प्यार के लिए भी कहा था, तो प्यार करो माया, लेकिन एक शादीशुदा आदमी से नहीं कर सकते।
हाँ अनुपमा लाई क्योंकि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी। अगर वो कोर्ट भी जाती तब भी छोटी माया को ही मिलने वाली थी, अनुज अनुपमा को नहीं, क्योंकि उनकी अभी तक लीगल प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। वो उस टाइम ट्राई ही कर रहे थे और वकील साहब से सबसे बात कर रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द छोटी को कानूनी तौर पे गोद लेना है, लेकिन उसमें भी देर थी, उससे पहले ही माया आ जाती है। और अनुपमा ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं, सब लोग कहते हैं कि अनुज ने बहुत कुछ सहा, अनु ने कुछ नहीं सहा। जब अनुज चला गया था तब अनुज अनुपमा की जो हालत थी वो हम सबने देखी है। अगर उसकी माँ और भाई नहीं होते तो आज वो मर भी चुकी होती। और श्रद्धा, कल तुम्हारा ऑडियो बहुत अच्छा था। वर्षा, तुमने भी बहुत अच्छा कहा। महिमा, अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है तुमने। और अंजू जी, आज मैंने क्या कहा उसके बारे में जरूर बताइएगा, लेकिन जो संयुक्ता जी ने उस दिन अनुपमा के बारे में जो कुछ भी कहा वो आधी बात तो समझ में नहीं आई। कल आपका जो जो कमेंट का जो अभी नया बना है, वीडियो कमेंट वाला जो बना है, उसमें भी किसी ने कहा था, उसमें भी बहुत सारे लोगों की बातें छोटी अनु और पाखी से कंपेयर कर रहे हैं। जब आपने उस, लेकिन आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया अंजू जी उनको भी, कि छोटी अपनी मर्जी से माया के साथ गई थी। और हमने भी देखा है कि खुद छोटी ने अनुपमा को कहा था कि मुझे आप पापा को भी समझाइए और मुझे माया के साथ जाने दीजिए। और वो अनुज को भी कहती है, मम्मी इतनी अच्छी है पापा कि मेरे ही कहने पे मुझे माया के साथ जाने दिया। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं अंजू जी। लेकिन कल आपका वो जो वीडियो था सच में बहुत अच्छा था, जो आप सबके कमेंट पढ़ के बता रही थी हमें, बहुत अच्छा था वो भी। और आपने जिनको भी जो भी सही जवाब दिया वो भी सही दिया। लेकिन एक बात पूछना चाहते हो अंजू जी, कल आपने मेरे ऑडियो पे कुछ भी मुझे नहीं कहा, फीडबैक दी ही नहीं आपने। अब अपने आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मनीषा, बरखा, महिमा, रेखा जी, सबनम, बरखा, सीमा जी, श्रद्धा, श्रद्धा कल तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा था, इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। वनराज ने अनुपमा की अनुज के साथ जब शादी हुई थी तो एक खाई के पास ले जाकर अनुज को कहा था कि मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कभी ना करना। और ये बात आज जानकर हंसी भी आती है कि खुद तो वो रोने के सिवा कुछ कर नहीं रहा, हताश होकर बैठा है और अनुज सारे अपने पिता होने के फर्ज निभा रहा है। ये अनुपमा और अनुज का एक स्वार्थ से परे अथाह प्रेम है जो विरला ही देखने को मिलता है। एक माँ को माँ होने में उसके वजूद की धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब कटाक्षपूर्वक पूर्ण व्यवहार उसके साथ किया जाता है। तब उस माँ की व्यथा को उसके सिवा कोई समझ ही नहीं पाता है। ये बात नहीं कि पिता का योगदान दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके योगदान को तो भरपूर तवज्जो दी जाती है। पुरुष प्रधान देश है ये, माँ को कब रखा है इसने पुरुषों से पहले। बच्चों की कामयाबी का सेहरा तो पिता के माथे, लेकिन बच्चों की नाकामयाबी माँ के मथे मढ़ दी जाती है। जब तक ये दंभ पुरुषों में रहेगा तब तक ना तो
समझेगी एक औरत दूसरी औरत की व्यथा और समाज ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। औरत को औरत होने का सम्मान औरत को ही देना होगा। पुरुष जब मानता ही है कि औरत है कमज़ोर तो फिर क्यों हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराता है वो औरत को? यही तो वनराज कह रहा है, खुद किया कुछ नहीं, अधिक की सच्चाई का पता चलने के बाद भी अपनी बेटी से कोई बात नहीं की और इल्ज़ाम धरने आ गया अनुपमा पर। क्यों करते हैं ऐसे पुरुष? कमज़ोर समझ लेते हैं औरत को, अपनी ताकत उसी पर दिखाते हैं, आखिर क्यों? गुस्सा करता है गुस्ताखियाँ केवल कमज़ोर के समक्ष, गुस्सा करता है गुस्ताखियाँ केवल कमज़ोर के समक्ष, ताकतवर के समक्ष तो हो ही जाते हैं सब नतमस्तक। माँ से ज़्यादा प्रेम से लबालब तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रिश्ते में न स्वार्थ है न ही लालच। कुछ भी अगर है तो खुद से पहले बच्चे की फिक्र और चिंता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें हमारे आसपास मिल जाते हैं देखने को। मेरे ही ऑफिस में एक एम्प्लॉई बाथरूम में स्लिप हो गई, लेकिन उसे अपनी चोट की परवाह नहीं थी, उसकी आंखें नम थी तो केवल इसलिए कि इसके छोटे से बच्चे का ख्याल वो रखेगी कैसे। मेरी मम्मी जो अपने समय की पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मेरी खातिर जॉब नहीं की क्योंकि मैं एक पोलियो पेशेंट हूँ। अगर मेरी मम्मी जॉब करती तो जितना मैं आज ठीक हुई हूँ शायद उतना मैं ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि मैं आज काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और ये सब मेरी मम्मी की वजह से ही हुआ है। मेरे डैडी का इसमें भरपूर योगदान है, लेकिन मम्मी का हर वक्त मेरे साथ रहना और मेरा केयर करना ये तो खुद को भूल जाने जैसा था। एक बार तो मेरी मम्मी का एक्सीडेंट भी हुआ, मेरा ट्रीटमेंट करवा कर आ रहे थे तो वो गिर गए, तो लोगों ने उन्हें उठाया तो उन्होंने यही सवाल किया कि मेरी लड़की को तो कुछ नहीं हुआ। ये होता है माँ का वजूद जिसके आगे कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। अनुपमा ने दुख में भी जन्माष्टमी मनाने के लिए सबको प्रेरित किया क्योंकि दुख में भी उसने सुखों को न्योता दिया, तभी तो उसकी बेटी लौट पाएगी घर और घर खुशहाल होगा, और अनुपमा यही तो चाहती है। काव्या अब समझ पा रही है वनराज की व्यथा को, क्योंकि अब वो स्वयं माँ बनने जा रही है। माँ बाप की पीड़ा का अंदाज़ा अब उसे हो रहा है। हर सदस्य घर का गम में डूबा हुआ है, एक भी सदस्य घर का ऐसा नहीं दिखाई देता कि त्यौहार पर त्यौहार मना रहा हो, क्योंकि उन्हें उस जो सदस्य नहीं है उसकी कमी खल रही है। और पाखी तो वनराज और अनुपमा की इकलौती बेटी है जिसमें उन दोनों के प्राण बसते हैं, तभी तो अधिक ने उसे ढाल बनाया अपना काम पाने की खातिर। रोमिल अब डरा हुआ है क्योंकि उसने अधिक से बदला लेने के लिए कदम उठाया। पाखी को नुकसान नहीं पहुँचाया होगा उसने, लेकिन बदला तो उसने अधिक से लिया ना। एक टीनेजर बच्चे को अधिक ने गलत राह के लिए उकसाया। इस उम्र में बच्चे सही गलत को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अधिक तो बड़ा है, उसकी गलत हरकत ने ये काम रोमिल से करवाया। गुनाहगार तो हो गया ना रोमिल, अब साजिश करके उस बच्चे में बदले की भावना को जन्म दे दिया उस अधिक ने। इस सब के एक्सपोज होने के बाद अनुपमा गुस्सा भी करेगी और समझेगी भी, यही अनुपमा का नेचर है। पाखी ने भी अनुपमा से कहा है कि मेरी लाइफ में दखल ना दो वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि आपको पछताना पड़ेगा। और रोमिल के जरिए लगता है अब ये दोनों ही बातें जो हैं पूरी हो गई हैं। सबके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, ख्याति जी आपका भी और बाकी सबका भी। तो ख्याति जी मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कल फीडबैक नहीं दी आपके ऑडियो पे, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत लेट मिला, तब तक शूटिंग हो चुकी थी। तो लेट मिलेगा तो शामिल हो गया ये भी बहुत बड़ी बात है, और पहले आपका ऑडियो नहीं आया वो भी उसके पीछे की वजह भी यही है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि 3 बजे से पहले पहले आप अपने ऑडियोज भेजिए, क्योंकि कई बार हमारा नेटवर्क भी डाउन होता है तो इसलिए वो नहीं टाइम पे मिलते हैं, ये नहीं कि आप ही की तरफ से जो है लेट होता है, तो कभी इधर से भी होता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजिए।
तो बाकी श्रद्धा का भी ऑडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने कहा है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अनुपमा की जो देखी है, आपने भी नोटिस किया है उस बात को, तो बहुत अच्छा था। और मनीषा दोषी जी आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था, महिमा का भी अच्छा था, और सीमा जी आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, और आपने जो एग्जाम्पल शेयर की है, आपका ऑडियो सुन के सच में आप पे गर्व होता है। तो कोई भी कमी इंसान में नहीं रहती है जब वो हार्ट से स्ट्रांग होता है, और आप इसकी एग्जाम्पल है। जितना आप स्ट्रांग हम अंदर से फील करेंगे, बाहर की चीजें उतना ही हमारा साथ देंगी। तो थैंक यू सो मच, बाकी सबके ऑडियोज भी बहुत अच्छे थे। तो ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नंबर नोट कर लीजिए जिसपे आपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे, नंबर है 9833155523, इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.